नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हापुड़ में कोरोना के चलते 2 साल कांवड़ यात्रा पर रोक थी, लेकिन इस बार सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी है। हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर में भी कांवड़ियों की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा में योगी के साथ बाबा का बुलडोजर भी नजर आएगा। वहीं बाजार में इस बार सावन में भोले के भक्तों को योगी और बुलडोजर छवि टी शर्ट की मांग भी दिख रही है। यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त हरिद्वार गंगा के साथ साथ गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर लौटते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कार्यभार संभालते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिलीप सिंह कुंवर एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने ऋषिकेश, कोतवाली और रायवाला थाना क्षेत्र का निरीक्षण कर कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कांवड़ मेला चल रहा है और इसके संदर्भ में हम लोग यहाँ भ्रमण पर आए हैं। SP देहात यहाँ पर हैं, CO साहब यहाँ पर साथ में हैं। हम उसकी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं कि कांवड़ के दौरान जो 20 तारीख के बाद से पिकअप होगा और बहुत तो वो उसके इसके संदर्भ में क्या क्या व्यवस्थाएँ होंगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, फोर्स जो लगा यहाँ पर लगाई गई हैं उनका ब्रीफिंग, मौके पर ब्रीफिंग और कांवड़ियों के बीच में हमारे जो पुलिस के जो लोग रहेंगे को उनको पूरी समझाने के जिससे का जो भी एक ड्रिल होता है उसका हमने बता दिया हमारे अधिकारी कर्मचारियों को। वो पूरा व्यवस्था देखने आया हूँ और चाक चौबंद व्यवस्थाएँ हैं। खबर ऋषिकेश से है, सावन महीने के पहले सोमवार को नीलकंठ सहित तमाम शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से जलाभिषेक के लिए नीलकंठ, वीरभद्र, चंद्रेश्वर, बनखंडी और सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी देखी गई, जिसको लेकर के सभी मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। CCTV कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। कलाकारों की प्रतिभा कभी छिपती नहीं है, ऐसा ही करिश्मा 14 साल की छोटी बच्ची ने करके दिखाया है। जालौन के उरई की रहने वाली छात्रा प्रज्ञा महेश्वरी ने क्यूब्स से PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर को बनाई है और इस कलाकारी के दम पर प्रज्ञा महेश्वरी ने 14 साल की उम्र में देश के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यह अपने आप में एक छोटी बच्ची के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर अपने अंदर कोई पैशन है, कोई अपने अंदर इच्छा है तो उसको ज़रूर उजागर करना चाहिए और इतना आगे ले जाना चाहिए कि लोग वाह वाह कर उठे। इसने भी यही किया। खेल खेल में एक बार रूबिक्स क्यूब इसको मिला था, इसके टीचर ने गिफ्ट दिया था और उसके बाद से उस रूबिक्स क्यूब से ऐसा खेला कि अब ऐसे कारनामे करने लगे कि लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं। किसी का भी फ़ोटो दे दीजिए, चाहे वो इंसान हो, कोई बिल्डिंग हो, नेचर हो या किसी भी देश का नाम बता दीजिए, उसका ये झंडा रूबिक्स क्यूब के माध्यम से बना के दिखा देती है। कितना समय दिया आपने इसको और कैसे ये कर पाती है? देखिए, समय तो असीमित था इसके पास में, क्योंकि आजकल इसका पैशन ही ये है कि दिन रात 24 घंटे इसके हाथ में रूबिक्स क्यूब होता है और जब देखो उसी से खेलती रहती है और अपना कुछ ना कुछ करती रहती है और उसको करते करते ये फ़ोटोज़ बनाने लगी है सभी के। मेरी बेटी ने अभी मोदी जी आए थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने, उनको उपहार देने के लिए इसने रूबिक्स क्यूब से फ़ोटो बनाई। ये 2-3 घंटे में फ़ोटो बना लेती है। इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले ये खेल खेल में करती थी पर अब ये इसका मकसद होता चला गया, इसमें वो बहुत आगे चली जा रही है और हम भी चाहते हैं ये इसका नाम और आगे, जैसे अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया तो हम चाहते हैं कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आए, इसकी इस मेहनत को फल मिले। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी का नाम बहुत आगे जाए। दिशा दे रही हैं तो क्या कहना चाहती हैं कि और भी जो छात्र हैं, किस तरह के छात्र मेहनत करें वो आगे बढ़े? हाँ, मैं जैसे क्यूब्स को बहुत से लोग कहते थे ये खेल है, केवल खेलने का, पर मैं ये नहीं कहती। अगर मेरे बच्चे, किसी भी बच्चे के अंदर टैलेंट है तो आप प्लीज़ उसे बाहर निकालें। जैसे मैंने अपनी बेटी के अंदर से टैलेंट बाहर निकाला, आज वो इस मुकाम तक पहुँच गई है। मैं चाहती हूँ ये और आगे जाए। श्रावस्ती में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
जहां थाना कोतवाली भिनगा प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने अपहरण किए गए नाबालिग युवती को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबर मंगलौर से है, जहां मुंडलाना गांव के जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि जलभराव की समस्या से पूरे ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही है। जालौर में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित दूध के टैंकर ने सड़क किनारे बैठे एक शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर से अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूध टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला कुठोंद थाना क्षेत्र के ग्राम भदे का है। खबर ललितपुर से है, जहां बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। बता दें कि हर रोज बिजली की कटौती से लोग परेशान दिख रहे थे, जिसके बाद लोगों ने कस्बा ताल बिहट के पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने उन्हें आश्वासन देकर ये कहा है कि जल्द से जल्द बिजली विभाग इस पर कार्रवाई करेगी और लोगों को सुचारू रूप से बिजली दिया जाएगा। अमरोहा में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हो गई। गुस्साए कांवड़ियों ने बस में तोड़फोड़ की और हाईवे पर जाम लगा दिया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर दुष्कर्म पास्को और धोखाधड़ी समेत कई मामलों में आरोपी चल रहे बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महमूद अली की गिरफ्तारी मुंबई से की है, हालांकि खनन माफिया हाजी इकबाल अभी भी फरार चल रहा है। जी, थाना मिर्ज़ापुर से धोखाधड़ी में एक महमूद अली वांछित चल रहे थे, जिनको कि नवी मुंबई जगह से सहारनपुर पुलिस ने पकड़ा है। ये 25,000 के इनामी थे। इनके साथ इनके भाई इकबाल वाला, वो भी 25,000 के इनामी हैं और वांछित चल रहे हैं। फिलहाल वो फरार हैं। इनको पकड़ के लाया गया है वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर, और आज यहाँ न्यायालय में पेश किया जाएगा और माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनके कई मुकदमे हैं जिनमें जांच भी चल रही है, कुछ में इनको न्यायालय से स्टे मिला है। इन सभी में माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से पैरवी की जा रही है और इनके विरुद्ध एक दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज है, उसमें भी पुलिस शीघ्र ही इनके खिलाफ रिमांड के लिए अप्लाई करेगी और आगे इसमें कार्यवाही की जाएगी। सर, कुछ और प्रॉपर्टी इनकी चिन्हित होनी थी, हो पाई है अभी तक? क्या काम चल रहा है? जी, जिस अभियुक्त को पकड़ा है, इस अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है और जो जानकारियां प्राप्त हो रही है उसके आधार पर अन्य संपत्तियां और इनकी अन्य मामलों की भी जांच की जाएगी, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा और राजस्व विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा और उसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। हरदोई के माधोगंज थानाध्यक्ष के सामने एक छात्रा का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल छात्रा से एक दुकानदार ने 85 रुपये से ज्यादा ले लिए थे, जिसकी शिकायत लेकर छात्रा थानाध्यक्ष के पास पहुंची और थानाध्यक्ष ने महिला सिपाही भेजकर दुकानदार से पैसे वापस कराए। उत्तराखंड में परिवहन निगम ने यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है। परिवहन विभाग के किराए से बढ़ोतरी करने के बाद लोग परेशान दिख रहे हैं। फिलहाल लोग परिवहन विभाग के इस फैसले से नाखुश दिख रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनी झील में जगह जगह से जा रहे शिविर के गंदे पानी का संज्ञान लेते हुए जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि शिविर लाइन को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उत्तराखंड में सुबह 10 बजे से ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया, जिसमें राज्य के सभी 70 विधायकों ने अपना अपना मतदान किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायकों को भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए।
प्रचंड जीत होगी और एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी भारी बहुमत से जीत रही हैं। मतदान केवल औपचारिकता है, वो तो पहले से ही तय है। आपने आपदा को लेकर भी निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश सर आपदा को लेकर? देखिए, हमारे प्रदेश में आपदा चूँकि प्रत्येक वर्ष आती है और आपदा के कारण से काफ़ी हानि होती है, हर प्रकार की हानि होती है। हर वर्ष जो है हमको आपदा के समय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बार भी आपदा को लेकर हमने पूरी तैयारियां की हुई हैं। जगह जगह पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं, NDRF, SDRF सारी टीमें हमने तैनात की हुई हैं, हमने पहले ही उसकी समीक्षा की हुई है। साथ में जो मार्ग हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं उन मार्गों को खोलने के लिए सैकड़ों JCBs अलग अलग स्थानों पर जियो टैग के साथ लगाई गई हैं। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी एक दलित मजबूर और बहुत ही कमज़ोर तबके की पार्टी है। ऐसी ही प्रत्याशी जो राष्ट्रपति की हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आदिवासी महिला हैं, कमज़ोर हैं, जो हमारी पार्टी की नीति रीति है उसे विलोम करती हैं। तो इसीलिए आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि आदिवासी महिला को ही मतदान किया जाए। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को ही मतदान करने का काम किया। जालौन में बिजली विभाग की टीम पर चेकिंग करने के दौरान हमला कर दिया गया है, साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मारपीट भी की गई है। वहीं मारपीट में बिजली विभाग के अधिकारी को भी चोटें आई हैं। दरअसल बिजली विभाग बिजली चोरी रोकने को लेकर के चेकिंग अभियान चला रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल में छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी शिक्षक ने छात्रा को बुलाकर अश्लील हरकतें की, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। ये पूरा मामला संभल सदर के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय शहजादी सराय का है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।